नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। जानिए खबर विस्तार से। झारखंड में छठ के दिन कैसा रहेगा मौसम, किस शहर में कब होगा सूर्यास्त और सूर्योदय। राजधानी रांची में छठ के दो दिनों में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। हालांकि इन दोनों दिनों में रांची में भी सुबह में कोहरा छाए रहने की बात मौसम विभाग ने कही है। झारखंड में छठ महापर्व की वजह से वातावरण भक्तिमय उल्लासपूर्ण हो गया है। खरना के अगले दिन छठव्रती 30 अक्टूबर को शाम में भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। 31 अक्टूबर को सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि छठ के दिन मौसम कैसा रहेगा। झारखंड के कई मामले में केंद्र के पास है लंबित, राज्य सरकार ने की मांग। केंद्र के पास कोयला से लेकर रेल जैसी परियोजनाओं के मामले में लंबित है, इनका समाधान करने की झारखंड सरकार ने मांग की है। पिछले दिनों नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ हुई बैठक में भी ये मामले रखे गए, जिसमें बकाया भी शामिल है। राज्य सरकार ने GST कंपनसेशन के रूप में 1880 करोड़ रुपये बकाया देने की मांग की है। वहीं कोयला कंपनी द्वारा राज्य में 53,000 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जाता है, इसके एवज में बतौर टैक्स 8,000 करोड़ रुपये की मांग की गई है। छठ महापर्व शुरू होते ही झारखंड में बिजली व्यवस्था चरमराई, जाने क्या है इसकी वजह। छठ महापर्व शुरू होते ही राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में बिजली संकट गहरा गया है। राजधानी में लगातार लोड शेडिंग कर आपूर्ति की जा रही है। निगमों की मांग की तुलना में 1/4 भी बिजली नहीं दी जा रही है। मांग के अनुरूप राज्य में 500 मेगावाट बिजली की कमी है। मांग करीब 1300 मेगावाट की थी, पर 800 मेगावाट बिजली की उपलब्ध थी। इस कारण पूरा राज्य में जमकर लोड शेडिंग हो रही है। कल 22 जिलों की सुखाड़ समीक्षा किए हेमंत सोरेन, राहत राशि के लिए केंद्र को भेजेंगे रिपोर्ट। झारखंड के 22 जिलों के 154 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। राज्य सरकार के कृषि निदेशालय ने वर्ष 2022 के खरीफ मौसम में राज्य के अल्पवृष्टि से उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति के संदर्भ में रिपोर्ट तैयार की गई है। यह रिपोर्ट कृषि विभाग के सचिव को भी भेजी गई है। रिपोर्ट के शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समीक्षा किए, कृषि विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक किए। किसानों को राहत देने और राज्य को वित्तीय सहयोग देने की मांग के साथ केंद्र को रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद भारत सरकार की एक टीम झारखंड आएगी और सुखाड़ प्रभावित कुछ जिलों, प्रखंडों और गाँव का निरीक्षण करेगी। टीम लौटकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी, फिर सुखाड़ की घोषणा के बाद आगे की होगी कार्रवाई। रामगढ़ में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.1 का हुआ आयोजन। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3 के तहत आज़ादी के 75 साल फिटनेस रहे बेमिसाल विषय पर माया टुंगरी कांकेबर से जिला खेल कार्यक्रम तक रन इवेंट का आयोजन किया गया। मौके पर जिले के उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। चतरा में 26 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। सदर थाना पुलिस ने लगभग 26 किलो गांजा पौधा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर सोनाबीघा गांव का प्रमोद कुमार सिंह है, जो सदर थाना क्षेत्र के सोनबीघा गांव के रहने वाला है। पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया है। यह जानकारी SDPO अविनाश कुमार ने शनिवार को सदर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रमोद अपने घर के पीछे गांजा की खेती किया है। सूचना के आलोक में छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त स्थल पर पहुंचकर गांजा के पौधे के साथ प्रमोद को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, दला दली में लगे पशु मेले से दुधारू गाय की खरीदारी कर लाभ उठा सकते हैं लाभुक। पिछले करीब 2 माह से दला दली चौक सिमलिया में जिला स्तरीय पशु मेला लगा हुआ है। इसमें अनेकों निबंधित पशु विक्रेता व्यापारी दुधारू गाय लेकर आए हुए हैं। रांची जिला प्रशासन ने पशुपालकों को इस मेले का लाभ उठाने की अपील की है। जिला गव्य विकास पदाधिकारी रांची ने ऐसे पशुपालकों से विशेष अपील की है कि जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुक हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में रांची जिले के जिन पशुपालकों को पशुधन विकास योजना के लिए चुना गया था, वे इस मेले में आकर दुधारू गाय की खरीद करके इसका लाभ उठा सकते हैं। झारखंड में धारा 144 लागू। जमशेदपुर के टाउन हॉल और आसपास क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह एक्शन प्रशासन ने पूर्व CM रघुवर दास और सरयू राय के समर्थकों के बीच झड़प के बाद किया गया है। बता दें कि शुक्रवार को सूर्य मंदिर परिसर में छठ उत्सव को लेकर
आयोजन से पहले रघुवर सरयू गुट के बीच जोरदार टकराव हुआ था। दिल्ली में छठ पूजा के मौके पर 30 अक्टूबर को घोषित किया गया ड्राई डे। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने छठ पूजा के मौके पर 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में ड्राई डे के रूप में घोषित किया। ड्राई डे के दिन शराब की बिक्री पर रोक होती है और गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को छठ पूजा में डूबते हुए सूर्य को जबकि 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी के भाई की लखनऊ में 12 करोड़ प्लस की संपत्ति की गई कुर्क। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीएसपी सांसद और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी की 12 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया है। बकौल पुलिस पिछले कुछ दिनों में मुख्तार अंसारी और उनके गिरोह के सदस्यों को 70 करोड़ से अधिक की संपत्तियां कुर्क की गई है। सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बीच दिल्ली में बढ़ाया गया ऑटो रिक्शा और टैक्सी का किराया। सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बीच दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ऑटो रिक्शा और टैक्सी के संशोधित किराए को मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार ऑटो रिक्शा लेने वाले यात्रियों को शुरुआती 1.5 किलोमीटर के लिए मौजूदा 25 रुपया की जगह 30 रुपया भुगतान करना होगा। वहीं टैक्सी लेने वाले यात्रियों को शुरुआती 1 किलोमीटर के लिए 25 की जगह 40 देने होंगे। बिहार के औरंगाबाद में छठ पूजा का प्रसाद बनाने के दौरान घर में फटा सिलेंडर, 30 लोग हुए घायल। बिहार के औरंगाबाद में शनिवार को एक घर में छठ पूजा की तैयारियों के दौरान सिलेंडर फटने से कम 30 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक छठ का प्रसाद बनाते समय इस हादसे के बाद घर में आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश में 5-7 पुलिसकर्मी भी झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में लड़कियों की खरीद बिक्री पर सीएम गहलोत। राजस्थान में ऋण संबंधित विवादों को निपटाने के लिए लड़कियों के कथित खरीद बिक्री की घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जांच के लिए टीमें तैनात की गई है। हम सुनिश्चित करेंगे कि मामले की ठीक से जांच हो। किसी यानी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया था। मुंबई से गांधीनगर जा रही वंदे मातरम एक्सप्रेस से टकराया सांड, आगे के हिस्से को पहुंचा नुकसान। भारतीय रेलवे ने बताया कि मुंबई सेंट्रल से शनिवार को गांधीनगर जा रही वंदे मातरम एक्सप्रेस से सुबह सांड टकरा गया, जिससे ट्रेन का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। गुजरात के अतुल रेलवे स्टेशन के पास हुई घटना के बाद ट्रेन को 15 मिनट के लिए रोका गया था। किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। दिल्ली में गंभीर श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण, 24 औद्योगिक इकाइयों को किया गया बंद। दिल्ली के आनंद विहार व अशोक विहार इलाके में शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में क्रमशः 456 व 422 पर पहुंच गया। दिल्ली का ओवरऑल AQI शनिवार सुबह 309 यानी बेहद खराब श्रेणी पर दर्ज किया गया था। वहीं प्रदूषण संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर NCR में 24 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया गया है। जादू टोने के शक में आदिवासी महिला की हत्या करने के 11 दोषियों को ओडिशा में हुई उम्र कैद। ओडिशा के सुंदरगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने जादू टोना करने के शक में एक 50 वर्षीय आदिवासी महिला की हत्या कर 11 दोषियों को उम्र कैद व हत्या से संलिप्त 3 महिलाओं को 2-2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मार्च 2018 में कम से कम 15 ग्रामीणों ने दरांती, कुल्हाड़ी व धारदार हथियार से महिला की हत्या कर दी थी। जानिए किन राज्यों में अगले 5 दिनों तक होने जा रही है भारी बारिश, अलर्ट जारी। पहाड़ी राज्यों में ठंड की शुरुआत के साथ हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही है। उधर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में से उत्तर पूर्वी मानसून की बारिश हुई। बहुप्रसिद्धित उत्तर पूर्वी मानसून में शनिवार को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दस्तक दे दी है। तमिलनाडु में अक्टूबर से दिसंबर तक के मानसून रहता है। इन राज्यों में 2 नवंबर तक बारिश होने वाली है। गुजरात सरकार लागू कर सकती है यूनिवर्सिटी सिविल कोड। गुजरात सरकार समान नागरिक संहिता पर प्रस्ताव ला सकती है। कल कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव लाया जा सकता है। चुनाव से पहले सरकार यूनिवर्सिटी सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाएगी, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। कमेटी इसके विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करेंगे। 1 नवंबर को हो सकता है गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 1 नवंबर को हो सकता है। बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में 2 चरणों में वोटिंग हो सकती है। 1 या 2 दिसंबर को पहले और 4 या 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होने की संभावना है। वहीं रिजल्ट 8 दिसंबर को आ सकती है।